मोदी के हनुमान चिराग पासवान की केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री तय। माना जा रहा है जल्द चिराग पासवान बनेंगे केंद्रीय मंत्री। बताएं आपको, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की चर्चा है, जिसमें चिराग पासवान का नाम सबसे पहले सामने आया है। ऐसा होने की कई वजहें बताई जा रही है। सबसे मुख्य कारण है कि बिहार में चिराग पासवान कई मौकों पर बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर आए हैं। हालिया उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार भी किया है, वहीं नीतीश कुमार पर लगातार आक्रामक भी नजर आए हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि खरमास खत्म होते केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी तो नए दिग्गजों की एंट्री हो सकती है। इनमें बिहार के कुछ बीजेपी सांसदों का नाम भी शामिल हो सकता है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर किसे केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री मिलेगी। इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पार्टी नेतृत्व बिहार से भी मंत्रियों को रिप्लेसमेंट ऑप्शन पर चर्चा कर रही है। राज्य की जनता से मिले फीडबैक के आधार पर तय किया जाएगा। साथ ही उम्र के पैमाने के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछड़ा अति पिछड़ा के समीकरण पर भी विचार किया जाएगा। वहीं चिराग की भी मोदी कैबिनेट में एंट्री की संभावनाएं दिखती नजर आ रही है। आपको बताएं, मोकामा, गोपालगंज और कुडनी उपचुनाव में शानदार तरीके से बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते चिराग पासवान दिखे हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार में विपक्ष में जैसे ही बीजेपी आई उसके बाद आक्रामक मूड में नजर आए, सीएम नीतीश को घेरते नजर आए, महागठबंधन की सरकार को घेरते नजर आए और 2023 के पहले सप्ताह में ही उन्हें केंद्र सरकार ने जेड प्लस की सुरक्षा दी है। तो माना जा रहा है चिराग पासवान ठीक है अब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। और इस वक्त चिराग पासवान केन्या के दौरे पर है। माना जा रहा है केन्या से जब देश लौटेंगे तब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आपको बताएं, बिहार में जिस तरीके से सियासत बदली है, 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनती है और विपक्ष में बीजेपी के नेता अब लगातार सरकार को घेरते नजर आते हैं, तो चिराग पासवान बीजेपी के लिए बड़े फैक्टर साबित होंगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। इसको लेकर बिहार बीजेपी ने जहां तैयारी शुरू कर दी है, वही माना जा रहा है कि एक बड़ा नाम चिराग पासवान का केंद्र की राजनीति में अब होने जा रहा है। जल्द चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे और उनके कार्यकर्ताओं में खुशी है। माना जा रहा है चिराग पासवान जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, बिहार की सियासत में पूर्ण रूप से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। हालांकि चिराग पासवान लगातार अपने जनाधार को बनाने में लगे हुए हैं और देखे जिस तरीके से बिहार में सियासत बदली है, चिराग पासवान की भूमिका बेहद अहम होने वाली है और बीजेपी उनके साथ नजर आ रही है। माना जा रहा है कि नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की जगह पक्की है और इसको लेकर अमित शाह से भी उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात की थी। चिराग पासवान ने कई दफे इस बात को कहा है कि यदि उन्हें एनडीए में पूर्ण रूप से आने का मौका मिलेगा तो वो जरूर शामिल होंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि जो लोग इस पर बोल रहे हैं उन्हें निर्णय लेना है, हमारा काम है, हम अपने जनाधार के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की समस्या के लिए काम कर रहे हैं और चिराग पासवान बड़े फैक्टर साबित होंगे 2024 लोकसभा और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तो इसको लेकर बीजेपी नेताओं की नजर इस वक्त चिराग पासवान पर टिकी है और हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, केंद्र की सरकार अब बड़ा फैसला लेने जा रही है। अपने कैबिनेट में कई नामों को जगह दे सकते हैं, कई पुराने जो चेहरे हैं उनकी छुट्टी हो सकती है और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री जल्द बन सकते हैं।